हैसल फ्री सॉफ्ट एंड टेस्टी होममेड पनीर इन 15 मिनट्स। हाँ दोस्तों, अब कोई वजन रखने का झंझट नहीं और ना ही घंटों इंतजार करने का। सिर्फ 15 मिनट में बढ़िया सा टेस्टी, हेल्दी और प्योर मलाई पनीर बनकर तैयार हो जाएगा। हमें चाहिए सिर्फ एक किचन टूल जो अक्सर हमारे किचन्स में होता ही है। दोस्तों, मैं हूँ सलमा, आपकी कुकिंग फ्रेंड। तो चलिए घर पर बढ़िया पनीर बनाने की रेसिपी देख लेते हैं, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। सबसे पहले 3 लीटर फुल क्रीम दूध को उबलने के लिए चूल्हे पर चढ़ा ले। दूध में उबाल आने तक वेट करेंगे, तब तक चलिए हम पनीर बनाने का सेटअप रेडी कर लेंगे। एक चौड़ा पतीला, उसके ऊपर से छन्नी और उस छन्नी के ऊपर से गीला कॉटन का साफ कपड़ा फैला दें। जैसे ही दूध में उबाल आना चालू हो जाए, ये देखिए 2 मीडियम साइज के नींबू का रस भी मैंने निकाल कर रख लिया है। इसमें 2 गुना पानी ऐड कर देंगे। अब दूध को एक डायरेक्शन में आहिस्ता से घुमाते हुए नींबू का रस और पानी का जो मिक्सचर हमने रेडी करके रखा था, उसे थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते रहेंगे। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बढ़िया से रेसिपी शेयर करती रहूँगी। रेसिपीज अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। दूध कर्डल होना चालू हो चुका है। जब तक दूध पूरी तरह से फट कर ट्रांसपेरेंट पानी अलग ना हो जाए, थोड़ा थोड़ा करके डाइल्यूट नींबू का रस डालते रहेंगे। ये देखिए छेना पूरी तरह से सेपरेट हो चुका है, कितना क्रीमी और बढ़िया लग रहा है। अब क्या करना है, जो हमने गीला कपड़ा लगाकर सेटअप रेडी करके रखा था, उसमें डालकर पनीर को छान लेंगे। अगर आप विनेगर यूज़ करते हो तो नींबू की जगह आप विनेगर भी ले सकते हैं। एक हिस्सा विनेगर का और 2 हिस्से पानी मिलाकर सेम इसी तरह से दूध को फाट लें। ये पनीर का पानी भी काफ़ी हेल्दी होता है, इसे हम वे प्रोटीन कहते हैं। इससे साउथ इंडियन रसम काफ़ी अच्छा बनता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। अब इस पनीर को अच्छा सा शेप देने के लिए इस कॉटन क्लॉथ को इसके ऊपर से इस तरह से टाइट फोल्ड कर लेंगे। ये है हमारा मैजिकल किचन टूल, बारबेक्यू ग्रिल मैश। ऐसी चीज़ें हम सभी के किचन्स में होती तो है, मगर हमारा ध्यान नहीं जाता। दोस्तों, ये ग्रिल रैक ग्रिल के लिए तो अच्छा है ही, पनीर बनाने के लिए बढ़िया है। बस हमें पनीर को इन 2 रैक्स के बीच में रखकर टाइट क्लिप कर देना है। ये देखिए, मैं आपको टाइम भी बता देती हूँ, अभी 2:15 बजे हैं। 2 बजे तक हमारा पनीर बनकर एकदम तैयार हो जाएगा। 15 मिनट हो चुके हैं। प्लेट में देखिए कितना सारा पानी निकल चुका है। आप देख सकते हैं एक भी ड्रॉप पानी का नहीं निकल रहा है। इस रैक से पनीर बनाना इतना आसान हो चुका है ना, अब मुझे घर पर पनीर बनाने में मज़ा आ रहा है। जब हम पनीर को क्लॉथ से बाहर निकालेंगे तो पनीर कपड़े पे बिल्कुल चिपकना नहीं चाहिए। ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब पनीर एकदम फर्म बन चुका है। इससे आप पनीर टिक्का, मलाई पनीर, शाही पनीर, जो भी रेसिपी चाहे बना सकते हैं। ये फौरन यूज़ के लिए तैयार है। घर का बना हुआ पनीर स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। पनीर को स्टोर कैसे करना है, आप चाहे तो पूरा ब्लॉक ही पानी में स्टोर कर सकते हैं, या फिर जैसे भी पीसेस चाहिए कट करके पीसेस को पानी में स्टोर कर सकते हैं। पानी में डालने से पनीर थोड़ा सा फूल जाएगा और भी सॉफ्ट हो जाएगा। पनीर को फ्रिज में लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है, मगर आपको हर दूसरे तीसरे दिन इस पानी को बदलते रहना होगा, तभी ये फ्रेश रहेगा, नहीं तो फ्रिज में रखने से भी ये ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पनीर के पानी से बनने वाले इस रसम को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।